अब हम आते हैं इस साल के विंटर एक्शन प्लान पे। 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान है। पहला पॉइंट है कि हमने 13 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पोल्यूशन ज़्यादा होता है। हर हॉटस्पॉट के लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया गया है और उसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया है। 13 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं और वहां पे पोल्यूशन को डाउन रखने के लिए स्पेशल फोकस किया जाएगा। दिल्ली में पराली जलाने को कम करने के लिए पूसा द्वारा बनाया गया बायो डिकम्पोजर पिछले 3 सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। पिछले साल हमने 4400 एकड़ में बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया था, इस साल 5000 एकड़ में बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक तो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे निगरानी रखने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। 591 टीम हैं। 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा निर्माण साइट्स वाले डस्ट कंट्रोल करने के लिए उनको वेब पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, और 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो उन्हें एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। सड़कों पे भी जो सफाई करते टाइम धूल उड़ती है उसके लिए 82 रोड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स लगाई गई हैं, 530 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन लगाई गई हैं और 258 एंटी स्मॉग गन सड़कों के ऊपर चलेंगी विंटर के दौरान। जो व्हीकल से पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए PUC सर्टिफिकेट्स की जांच करने के लिए और 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल्स को प्रतिबंध के कंप्लायंस के लिए 385 टीम्स गठित की गई हैं। जो कंजेस्टेड एरियाज है जहां ट्रैफिक ज़्यादा रहता है वहां पे व्हीकल खड़ा हो जाता है और व्हीकल खड़ा होकर वहां पे पोल्यूशन करता है, ऐसे 90 सड़कों की पहचान की गई है और वहां पे ऑल्टरनेट रूट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, उसको प्रचारित किया जाएगा कि आप इसको अवॉइड कीजिए, इस सड़क को आप यहां से निकल सकते हैं। खुले में कूड़ा जलाने पे प्रतिबंध है और 611 टीमों का गठन किया गया है जो इसके ऊपर निगरानी रखेंगी। मैंने जैसे कहा कि 1727 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं रजिस्टर्ड जो कि अब PNG नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल का इस्तेमाल कर रही हैं, इसकी निगरानी के लिए 66 टीमों का गठन किया गया है। एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है 24 घंटे, जिसके जरिए निगरानी रखी जाएगी। ग्रीन दिल्ली ऐप जो लॉन्च किया गया था उसका बड़ा सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रहा है, 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। इसमें लगभग 70,000 शिकायतें आई जिसमें से 90% 63,000 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। हम दिल्ली के लोगों को अपील करेंगे कि एंड्रॉयड और iOS के ऊपर ये ग्रीन दिल्ली ऐप है, उसे ज़रूर डाउनलोड करें और कहीं भी किसी भी तरह की अगर दिल्ली में प्रदूषण करती हुई एक्टिविटी दिखाई दे उसको इस ऐप पे भेजें, हम उस पे तुरंत कार्रवाई करेंगे। रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी IIT दिल्ली और DPCC के साथ की जा रही है और उसके लिए राउज एवेन्यू में सर्वोदय बाल विद्यालय में एक सुपर साइट बनाई गई है। उसके जो डेटा है उसके साथ उसको इस्तेमाल करके हम जगह जगह एक फोकस्ड तरीके से एक्शन बना कर पाएंगे। पटाखों के ऊपर फिर से इस साल प्रतिबंध लगाया गया है और ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा नए पौधे लगाए जाएंगे जिसमें से 52 लाख पौधे दिल्ली सरकार लगाएगी। ई वेस्ट के लिए 20 एकड़ जमीन पे होलंबी कला में एक ई वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है और उसमें गति तेज लाने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी गई है। जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें रन अगेंस्ट पोल्यूशन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये सब कैंपेन्स चलाए जाएंगे। पोल्यूशन कोई बाउंड्रीज नहीं देखता, हरियाणा की हवा इधर दिल्ली आती है, दिल्ली की हवा यूपी जाती है, तो आसपास के सभी स्टेट्स के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि हम पोल्यूशन की गतिविधियों पोल्यूशन को कम करें। इसमें सेंट्रल CAQM जो है उसके साथ भी मिलके, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का डेटा बताता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो 31% दिल्ली के इंटरनल सोर्सेज की वजह से है और 69% जो है वो बाहर के सोर्सेज की वजह से है। तो बाहर के आसपास के स्टेट से हमारी अपील है कि जितने दिल्ली में व्हीकल्स आते हैं वो CNG के ऊपर करें। दिल्ली में
आसपास के जो एरियाज़ हैं दिल्ली के एनसीआर के एरियाज़ हैं वहाँ पे पोल्यूटिंग फ्यूल वाली इंडस्ट्रीज़ को पीएनजी में शिफ्ट किया जाए, ईंट भट्टे वाले जो हैं ईंट भट्टे को जिगजैग टेक्निक होती है जिसमें पोल्यूशन नहीं होता उस पर शिफ्ट किया जाए, 24 घंटे बिजली अगर होगी एनसीआर में तो डीजल जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो भी किए जाएँ, एनसीआर एरिया के अंदर भी पटाखों के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, और जो ग्रैप है आखिरी पॉइंट ग्रैप को पूरी शिद्दत के साथ लागू किया जाएगा। अब ग्रैप में CAQM के जरिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य एजेंसीज के जरिए 3 दिन बाद का वो पता चल जाता है, ये पूर्वानुमान फोरकास्ट होता है, तो उसके बेसिस पे ग्रैप को लागू किया जाता है जिससे कि पोल्यूशन को पहले से कंट्रोल किया जा सके।